नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। बाहर से हिमाचल आने वालों को लेकर सरकार का फैसला, शुरू होगा निगाह कार्यक्रम। हिमाचल के 100 और स्कूलों में शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत 859 करोड़ मंजूर। लोगों ने अपने ही गांव में आने से रोके शिमला से लौटे रिटायर अंडर सेक्रेटरी और उनकी पत्नी। कर्फ्यू उल्लंघन पर 1297 गाड़ियां जब्त, पुलिस कर्मियों पर हमले के 10 मामले दर्ज। कुलदीप राठौर बोले, हिमाचलियों की घर वापसी में नहीं रखा जा रहा सुरक्षा का ध्यान। कोरोना पॉजिटिव नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती, हालत स्थिर। पंचतत्व में विलीन हुए हंदवाड़ा, मुठभेड़ में शहीद मेजर अनुज सूद। योल में है ससुराल, देहरा से भी गहरा नाता। होम क्वारंटाइन के आदेशों का उल्लंघन कर बेचने लग पड़ा सब्जी, केस दर्ज। रक्षा पेंशनर ऐसे भेजे ईमेल व डाक से भेजे जा सकते हैं दस्तावेज, ऑफिस आने की जरूरत नहीं। बिना मास्क व बेवजह घूमने वाले 6 लोग 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में भेजे। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह आरंभ करेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश के डीसी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पड़े हैं और इस स्थिति में ये आवश्यक है कि घर वापसी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित स्वास्थ्य जांच करने के साथ साथ उसकी यात्रा का पूरा विवरण लिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल लौटने वाले लोगों के घर घर जाकर उनके परिजनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। वहीं विभिन्न राज्यों से वापस अपने पैतृक स्थान लौटने की इच्छा रखने वाले लोगों को क्रमबद्ध तरीके से पास जारी किए जाएं, ताकि राज्य के प्रवेश द्वारों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो सके। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश सरकार को 859 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 38,050 प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को बढ़ाने के लिए जो अतिरिक्त अध्यापक तैनात किए जाएंगे, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे प्री प्राइमरी शिक्षा को प्रदेश में और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 100 और स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए 50% अतिरिक्त नए स्कूल भी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 953 स्कूलों में ये कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत 218 नए उच्च एवं वरिष्ठ विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 200 नए स्कूलों में ICT लैब की ई टेंडरिंग की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर गांव के लोग सतर्क हो चुके हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किन्नौर जिला में अपने ही गांव में शिमला से लौटे एक रिटायर अंडर सेक्रेटरी और उनकी पत्नी को गांव के लोगों ने गांव में घुसने से मना कर दिया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। लोगों का कहना था कि अब तक आपको शहर अच्छा लगता था, तो अब गांव क्यों अच्छा लगने लगा, हम नहीं आने देंगे। लोगों ने उन्हें करीब 3 घंटे तक अपने ही गांव में नहीं आने दिया। मामले की सूचना DGP SR मरड़ी को दी गई। उन्होंने फोन पर SP किन्नौर व SHO मूरग से बात की। इसके बाद SHO मूरग ने रात करीब 9:30 बजे मौके पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अपने ही गांव और अपने घर पहुंचाया। ये जानकारी खुद DGP SR मरड़ी ने यहां जारी एक वीडियो संदेश में दी। प्रदेश में कर्फ्यू के उल्लंघन पर 1297 गाड़ियों को जब्त किया गया है, जबकि उल्लंघन करने वालों पर 28.45 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कर्फ्यू के दौरान आदेशों का पालन करवाते समय पुलिस कर्मचारियों पर हमले के 10 अभियोग में 20 व्यक्तियों के खिलाफ मामले पंजीकृत किए गए हैं, जबकि झूठी अफवाहें फैलाने के संदर्भ में
54 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। ये जानकारी मंगलवार को हिमाचल पुलिस महानिदेशक SR मरड़ी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को दी। मंगलवार को SR मरड़ी ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को पुलिस प्रशासन के माध्यम से COVID-19 पर प्रदेश पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति से अवगत करवाया। पुलिस विभाग द्वारा कर्फ्यू उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 1484 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1305 व्यक्तियों को उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर अव्यवस्था का आलम है। पहले प्रदेश के बाहर रह रहे हिमाचलियों को वापस नहीं लाया जा रहा था, अब जब लोगों को वापस लाया जा रहा है तो सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बॉर्डर पर सही ढंग से जाँच नहीं की जा रही है, क्योंकि मंडी का ताज़ा मामला इसी का नतीजा है। होम क्वारंटाइन में रखे लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए व प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए। राठौर ने बताया कि कांग्रेस जल्द एक कमेटी का गठन करेगी जो कोरोना से हुए नुकसान का आकलन कर मसौदा तैयार करेगी। वहीं राठौर ने मांग उठाई कि PM कोविड केयर फंड व CM फंड पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, ताकि इस वैश्विक बीमारी पर कितनी पारदर्शिता बरती गई इसका पता जनता को चल सके। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल के कोरोना पॉजिटिव मरीज को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती किया गया है। बीती रात करीब 2:30 बजे इस मरीज को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचाया गया, जहां पर इसका उपचार शुरू किया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने बताया कि मरीज को रात को उपचार के लिए लाया गया है और मरीज की हालत पूरी तरह से स्थिर है, मरीज को बेहतर उपचार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक को सरकार ने COVID-19 हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया है और यहाँ पर उपचार से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं कॉलेज के MS डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी 4 कोरोना संक्रमित मरीजों का यहाँ पर उपचार किया जा चुका है और चारों को पूरी तरह से स्वस्थ करके घर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर से लाए गए मरीज में भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद मेजर अनुज सूद आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद के पार्थिव शरीर को मनीमाजरा स्थित शमशान भूमि में ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार के लिए चिन्हित स्थल पर केवल उनके पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों को ही आने की अनुमति प्रदान की गई। सभी को एक दूसरे से उचित फासले पर बिठाया गया। शमशान घाट में शहीद मेजर अनुज सूद के पिता ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त CK सूद, माँ सुमन और पत्नी आकृति मौजूद रहे। शहीद को उनके माता पिता ने नमन किया। वहीं पत्नी ने कहा कि उन्हें अनुज की शहादत पर गर्व है और वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। शहीद मेजर अनुज सूद के ससुराल धर्मशाला के साथ लगते योल में हैं, साथ ही देहरा से भी उनका गहरा नाता था। होम क्वारंटाइन के आदेशों की उल्लंघना करने पर एक युवक पर मामला दर्ज किया गया है, साथ ही उसे संस्थागत क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। SP कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि पालमपुर तहसील के गांव घेर बुआणा का एक युवक सब्जी की दुकान करता है, उसकी अपनी टैक्सी भी है। वह 27 अप्रैल को अपनी टैक्सी में वैध कर्फ्यू पास से चंडीगढ़ गया
उसी दिन वापस आ गया। उक्त युवक को 28 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आज उक्त युवक ने होम क्वारंटाइन के आदेशों का उल्लंघन किया और घर से बाहर आ गया, साथ ही दुकान पर सब्जी बेचने लग पड़ा। जानकारी मिलते ही पुलिस ने उक्त युवक पर कार्रवाई की है। SP कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि प्रशासन के आदेशों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। क्वारंटाइन में रहने वालों को आदेश मानने होंगे, आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई होगी। रक्षा सेवाओं के सभी पेंशन पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। जीवन प्रमाण पत्र ईमेल से भेजे जा सकते हैं। ईमेल से भेजने के बाद मूल दस्तावेज डाक द्वारा भेजें। रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी शिमला राजीव गर्ग ने बताया कि रक्षा सेवाओं के सभी पेंशन पारिवारिक पेंशनरों जिनकी वार्षिक पहचान मई 2020 में होनी है, ऐसे सभी पेंशनर अपने गाँव के सरपंच, ग्राम सचिव, बैंक मैनेजर, नगर निगम के म्युनिसिपल काउंसलर या किसी भी राजपत्रित अधिकारी से अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर इस कार्यालय को डाक या ईमेल dpdoshimla.cgda@nic.in पर भिजवा सकते हैं, ताकि उनकी मासिक पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01772807714 अथवा मोबाइल नंबर 8172929309 पर संपर्क करें। लॉकडाउन के तीसरे चरण में नियम ना मानने वाले दुकानदारों व अन्य लोगों पर मंगलवार को DC ऊना संदीप कुमार ने कड़ी कार्रवाई की है। DC ने घालूवाल, स्लो, पंजावर व गगरेट में बाजार का निरीक्षण किया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन ना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए दुकानें सील करने के निर्देश दिए। DC ने नियम ना मानने वाले शराब के ठेके सील करने के भी निर्देश दिए। DC ने सड़क पर बिना वजह व बिना मास्क के घूम रहे बाइक सवारों से पूछताछ की और संतोषजनक उत्तर ना दे पाने वाले 6 बाइक सवारों को संस्थागत क्वारंटाइन में भेजने के निर्देश दिए। सभी 6 लोगों को गगरेट के क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया गया है। DC ने गगरेट बाजार का भी निरीक्षण किया और दुकान के सामने खड़े वाहनों को हटाने और नियम न मानने वाले वाहन चालकों की गाड़ियों को जब्त करने के निर्देश दिए। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।